इस वीडियो में हम कक्षा 9 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए, जिसमें हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं। तो पहले भाग में हमें 30 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम 30 डिग्री के कोण की रचना कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उसके बाद हम 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे, तो हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम एक किरण खींचेंगे कुछ इस तरह का। ठीक है, अब हम इस किरण का नाम दे देते हैं। ये हमारा इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है, जिसे हम ए बिंदु कहेंगे, और ये हमारा यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु यानी कि बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए बी एक किरण खींचा। अब हम क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे और प्रकार को कितने भी त्रिज्या का खोलेंगे, मान लीजिए हमने इतनी त्रिज्या का खोला है, और ए बिंदु को केंद्र मानते हुए यानी कि ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चाप लगा दिया। अब देखिए जो हमने ये चाप लगाया है, ये इस ए बी किरण पर जिस बिंदु पर काट रहा है इसका हम नाम दे देंगे सी बिंदु। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाप लगाएंगे। कैसे? जैसा कि आप पहले ही सीख चुके हैं कि सबसे पहले हम C बिंदु को केंद्र मानेंगे और प्रकार को उतनी ही त्रिज्या का खुला रहने देंगे जितनी त्रिज्या खोलकर हमने ये वाला चाप लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम C बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे जो कि इस बड़े वाले चाप को काटेगा। ठीक है, इस बिंदु पर काट रहा है तो इसका हम नाम दे देंगे यहाँ पर डी बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से हमने 60 डिग्री का कोण के लिए चाप लगा दिया। अब हम इसका समद्विभाजित करेंगे यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो ये हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सी बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और जो हमारा ये 60 डिग्री के कोण के लिए जितना चाप खुला है इसका हम आधे से ज्यादा खोलेंगे, जिसे आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर आधे से हल्का ज़्यादा खोला और इस तरह से एक यहाँ पर चाप लगाएंगे। ये हम चाप कैसे लगाएंगे, सी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के। ठीक है, तो ये हमने एक चाप लगा दिया। अब हम ये डी बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे इस तरह से और एक ये ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हम ये दोनों जो चाप हैं ये जिस बिंदु पर एक दूसरे से काट रहे हैं उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए एक किरण खींचेंगे। तो जिसे आप देख सकते हैं ये हम यहाँ पर कुछ इस तरह का किरण खींचेंगे जो कि इस 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस बिंदु का नाम दे देंगे ए बिंदु। तो ये हमारा यहाँ पर कोण बन गया कोण ई ए बी, जो कि कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमने 30 डिग्री का कोण बनाया। अब देखिए हमें इसकी रचना के चरण भी लिखने हैं, तो हम रचना के चरण कैसे लिखेंगे ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है रचना के चरण में कि प्रारंभिक बिंदु ए वाला हमने एक किरण ए बी खींचा, जिसे आप देख सकते हैं ये हमने ए बी किरण खींचा। फिर उसके बाद ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, यानी कि यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखा और इस तरह से एक चाप लगाया जो कि इस ए बी किरण पर सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सी को केंद्र मानकर और प्रकार को उतनी ही त्रिज्या का खोलकर ये हमने एक चाप लगाया जो कि इस बड़े वाले चाप को डी बिंदु पर काटती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया कि सी और डी को केंद्र मानते हुए हमने चाप लगाए दो जो कि एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर इसके बाद हमने ई ए एक किरण खींचा, या फिर आप इसे ए ई किरण भी कह सकते हैं, और इस तरह से हमारा कोण ई ए बी 30 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इस रचना के चरण का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम दूसरा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें 22.5 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम 22.5 डिग्री का कोण कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 90 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित कर देंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण मिलेगा,
यानी कि 45 डिग्री का कोण हमारा 90 डिग्री को समद्विभाजित करने पर आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 45 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर देंगे, तो हमारा कितने डिग्री का कोण आएगा, 22.5 डिग्री का, क्योंकि 45 का आधा 22.5 होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम 22.5 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद 90 डिग्री को समद्विभाजित करेंगे यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो हमें 45-45 डिग्री के कोण मिलेंगे। फिर 45 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित करेंगे यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो हमें 22.5 डिग्री के कोण मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से एक किरण खींचेंगे कुछ इस तरह का, और हम इस किरण का नाम दे देंगे ए बी किरण, और ये इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है ए, और ये हमारा बी बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप प्रश्न एक और दो में सीख चुके हैं कि 90 डिग्री का कोण और 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रकार को कितनी भी त्रिज्या का खोलेंगे, ये हमने खोल लिया। अब हम ए को केंद्र मानते हुए और सबसे पहले इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम ये जो हमारा चाप है ये ए बी किरण पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु का नाम दे देंगे सी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रकार को उतनी ही त्रिज्या का खुला रहने देना है और सी को केंद्र मानते हुए इस तरह से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चाप हो जाएगा। अब इस बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे, तो ये हमारा 120 डिग्री के कोण के लिए है। अब हमारा 90 डिग्री का कोण इन दोनों कोणों के बीच बनता है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब हम ये जो दोनों चाप हैं ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं इससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए एक किरण खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से एक किरण खींच दिया और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब हम इस 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए कैसे हम समद्विभाजित करेंगे, हम क्या करेंगे कि प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 90 डिग्री के कोण तक के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार को खोला और इस तरह से एक चाप लगा देंगे सी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के, फिर इसके बाद इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे। तो ये दोनों जो चाप हैं ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए एक किरण खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हम इस तरह से एक किरण खींच देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमें 22.5 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि अब ये जो हमारा 45 डिग्री का कोण जो है इसको समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि प्रकार को इस 45 डिग्री के कोण के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे इस तरह से और एक यहाँ पर ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, ये हम सी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के लगाएंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर और एक इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो चाप हैं ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींचेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर कोण बन रहा है जिसे आप देख सकते हैं ये हमारा कोण है 22.5 डिग्री का कोण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम 22.5 डिग्री का कोण किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें रचना का चरण भी लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमने किरण खींचा है इसका हम नाम दे देंगे यहाँ पर डी ए किरण, यानी कि ये हमारा डी ए किरण हो गया। इसके अलावा ये जो हमारा किरण है इसका हम नाम दे देंगे ई ए किरण, और ये जो हमारा किरण है इसका हम नाम दे देंगे एफ ए। तो इस तरह से हमारा कोण एफ ए बी 22.5 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए रचना का जो चरण है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, ये मैंने बेसिक लिखा है, क्योंकि
पिछले प्रश्न एक और दो में आप सीख चुके हैं कि हम 45 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, तो आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक लिखा है कि सबसे पहले हमने ए बी एक किरण खींचा, फिर उसके बाद हमने बिंदु ए पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाया जो कि कोण डी ए बी है, जिसे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने कोण डी ए बी का समद्विभाजक खींचा जो कि हमारा कोण ई ए बी है, यानी कि कोण ई ए बी हमारा 45 डिग्री का है, तो ये हमने सबसे पहले खींचा। फिर इसके बाद हमने कोण ई ए बी का समद्विभाजक खींचा, यानी कि कोण ई ए बी जो कि 45 डिग्री का है उसको समद्विभाजित किया जो कि कोण एफ ए बी है। फिर इसके बाद हमारा कोण एफ ए बी जो है ये अभीष्ट कोण है जो कि 22.5 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, 15 डिग्री का हम कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर देंगे, तो हमें कितने डिग्री का कोण मिलेगा, 30 डिग्री का। अब हम 30 डिग्री के कोण को भी समद्विभाजित कर देंगे तो हमें 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा कि हमें पता है कि 30 डिग्री का कोण जो होता है इसको अगर हम आधा करें तो हमें 15 डिग्री का कोण मिलेगा, यानी कि 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री होता है, इसलिए हम 30 को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम एक किरण खींचेंगे, तो यहाँ पर हम किरण खींच लेते हैं। ये हमने इस तरह से किरण खींचा, इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, अब हम ए को केंद्र मानते हुए और प्रकार को कितनी भी त्रिज्या का खोलेंगे, ये हमने इतनी त्रिज्या का खोला और ए बिंदु पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब ये जो हमारा चाप है ये इस किरण पर जिस बिंदु पर काट रहा है इसका नाम दे देंगे सी, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रकार को उतनी ही त्रिज्या का खुला रहने देंगे और सी को केंद्र मानकर इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, जो कि इस बड़े वाले चाप को काटेगा, तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब जिस बिंदु पर काट रहा है उसका हम नाम दे देते हैं डी बिंदु। ठीक है, और हम इसको इस तरह से सबसे पहले मिला देंगे, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को जॉइन करते हुए एक किरण खींचेंगे। ये हमने खींच दिया और इस किरण का हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ई ए। ठीक है, इस तरह से हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 60 डिग्री का जो कोण है इसको समद्विभाजित करते हैं, तो इसको समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे कि इसका हम आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे। ये हमने यहाँ पर आधे से ज़्यादा खोला और हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक चाप लगाएंगे इस सी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के, फिर इसके बाद डी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है, जो कि एक दूसरे को दोनों चाप काटेंगे। अब हम ए और ये दोनों जो चाप है जिस बिंदु को काट रहे हैं दोनों को मिलाते हुए हम एक किरण खींचेंगे, तो ये यहाँ से हम ऐसे किरण खींच देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, और इस किरण का नाम दे देंगे हम एफ ए। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री का बन गया। अब हम इस 30 डिग्री को समद्विभाजित करेंगे, तो देखिए ये हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 30 डिग्री के आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे, ये हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा प्रकार को खोला और इस तरह से यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। ये हम सबसे पहले सी बिंदु पर रख के लगाएंगे, फिर इसके बाद इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो चाप हैं ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं उससे होते हुए और ए बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींचेंगे, तो ये यहाँ से हम खींच लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमने किरण खींचा और इस किरण का नाम दे देते हैं हम जी ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतना जो कोण है, ध्यान दीजिए ये जो हमारा इतना कोण है ये 15 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने 15 डिग्री का कोण कैसे बनाया। सबसे पहले हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, उसको समद्विभाजित किया तो हमें 30 डिग्री का कोण मिला, फिर 30 डिग्री के कोण को हमने समद्विभाजित किया तो हमें 15 डिग्री का कोण मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रचना है। अब देखिए रचना का जो चरण है ये हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि ए बी एक किरण खींचा, ठीक है, ये हमने ए बी एक किरण खींचा,
फिर उसके बाद हमने ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो कि ए बी किरण को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सी को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का प्रकार खोलकर और एक चाप लगाया जो कि डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए और डी को मिलाते हुए किरण खींचा ई ए, और इस तरह से हमारा कोण ई ए बी यानी कि ये पूरा जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कोण ई ए बी को समद्विभाजित किया तो हमें कोण एफ ए बी यानी कि ये इतना कोण मिल गया 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमने कोण ई ए बी को समद्विभाजित किया तो हमें कोण एफ ए बी प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद हमने कोण एफ ए बी को समद्विभाजित कर दिया तो हमें कोण जी ए बी मिल गया, और कोण जी ए बी हमारा अभीष्ट कोण है जो कि 15 डिग्री का है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसे हेल्प मिल जाए, और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, धन्यवाद।